सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम आज की जो इस वीडियो है, हम आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं टाइप्स ऑफ सीट के बारे में बताऊंगा, कितने प्रकार के सीट होते हैं। ओके, तो हम वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, हमारा जो कोर्स चल रहा है वो प्रिंसिपल ऑफ सीट टेक्नोलॉजी चल रहा है। ओके, GPB 211 का हमारा कोर्स चल रहा है। तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं, हमारा क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ सीट में हमारा पहला आता है न्यूक्लियस सीट। क्या आता है न्यूक्लियस सीट, मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊंगा आसान कर तरीके से। तो न्यूक्लियस सीट में क्या होता है कि यह पादप प्रजनन द्वारा प्रथम बार तैयार किया जाता है। यानी बिल्कुल जो हमारे साइंटिस्ट लोग होते हैं न्यूक्लियस सीट को तैयार करते हैं, यानी पादप जो प्लांट ब्रीडर होते हैं वो पहली बार इसको न्यूक्लियस सीट को लैब में तैयार करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। इन विट्रो कंडीशन में क्या करते हैं, लैब में तैयार करते हैं, उसी को बोलेंगे हम न्यूक्लियस सीट बोलते हैं। इसका जो देखा जाए तो इसमें जो जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी 100% पाई जाती है। और साथ ही साथ इसमें यदि देखा जाए टैग के बारे में, तो जो न्यूक्लियस सीट होता है इस पर किसी भी प्रकार का टैग नहीं लगा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये हमारा प्लांट ब्रीडर द्वारा प्रथम बार तैयार किया जाता है। अगला देखते हैं ब्रीडर सीट। ब्रीडर सीट में स्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीडर सीट क्या होता है, तो ब्रीडर सीट की मैं बात करूँ तो यह जो सीट होता है पादप यानी प्लांट ब्रीडर या किसी संस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हमारा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के द्वारा तैयार होता है या फिर पैदा किया जाता है। इसमें आनुवंशिक शुद्धता 99.9% होता है। इसके बाद देखा जाए इसका उपयोग आधार बीज उत्पादन यानी फाउंडेशन जो सीड होता है इसके निर्माण करने के लिए किया जाता है। इसके बाद टैग का कलर गोल्डन येलो होता है। यह नाभिकीय बीज की संतति होती है। बिल्कुल, ये जो हमारी होती है वो न्यूक्लियस सीड की संतति यानी डॉटर होती है। तो देखा जाता है डॉटर ऑफ न्यूक्लियस सीट इज सेलेड एस ब्रीडर सीट। तो इसमें कौन सा कलर होता है टैग, तो गोल्डन येलो कलर का इसमें टैग लगा होता है। ये इम्पोर्टेंस है आपका। ओके, अगला हम देखते हैं। तो एक मिनट जस्ट वेट, थोड़ा कलर को मैं चेंज कर लूँ, एक मिनट। हाँ, एक मिनट जस्ट वेट। तो चलिए हम देखते हैं अब अगला हमारा है फाउंडेशन सीट। ओके, तो देखा जाए फाउंडेशन सीट को हम मदर सीट के नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे मार्केट में जो सीड बिकते हैं वो फाउंडेशन सीट के ही डॉटर होते हैं। यानी कि सभी प्रकार के जो मार्केट के जो सीड होते हैं, तो मार्केट सीड इज नाउन इज सेलेड एज मदर सीड, यानी कि हमारे फाउंडेशन सीट। तो कहने का मतलब क्या है, जितने भी मार्केट में जो सीड बिकते हैं वो सभी सीड हमारे मदर सीड यानी फाउंडेशन सीड के डॉटर होते हैं। प्रजनन बीज द्वारा जो बीज तैयार किया जाता है वो उत्पादक हेतु किसी बीज निगम यानी कि किसी भी संस्था पंजीकृत संस्थानों ओके बीज प्रमाणीकरण संस्था की देख रेख में किया जाता है। इसमें देखा जाए तो इसमें जो कलर यानी टैग जो लगा होता है वो वाइट कलर का टैग लगा होता है। यह प्रजनन बीज की संतति होती है, यानी कि ये जो हमारा होता है ये हमारा ब्रीडर सीट की डॉटर होती है। अगला देखते हैं, यह इसमें देखा जाए तो इसमें 100% जेनेटिक प्योरिटी पाई जाती है। और साथ ही साथ इसमें जो फिजिकल प्योरिटी वो 98% होता है। इसके बाद हमारा आता है सर्टिफाइड सीट, जो मोस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्टिफाइड सीट, क्योंकि एग्ज़ाम में सर्टिफाइड सीट से रिलेटेड सवाल आते हैं। आखिर सर्टिफाइड सीड होता क्या है, तो इसे जो हमारा होता है सर्टिफाइड सीड, इसे हम फाउंडेशन सीड से तैयार करते हैं। यानी कि यह जो सीड हमारा, इस सीड को हम फाउंडेशन सीड से तैयार करते हैं। और यह आधार बीज की संतति होती है, यानी यह हमारी जो ब्रीडर सॉरी हमारी जो फाउंडेशन सीड होती है इसकी संतति होती है। इसका उत्पादन किसी सरकारी बीज निगम जैसे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, जिसे जेनेटिक प्योरिटी इसमें जो होती है 100% और फिजिकल प्योरिटी 98% होती है इसमें। ओके, इसके बाद देखा जाए छठवा हमारा है ट्रूथफुल्ली लेबलेट सीड। तो मोस्टली हमने 5 सीड के बारे में देख लिया है। पहला न्यूक्लियस सीड था, ओके, इसके बाद ब्रीडर सीड था, इसके बाद फाउंडेशन सीड था, रजिस्टर्ड सीट था, ओके, इसके बाद हमारे सर्टिफाइड सीट था, और छठवां हमारा
जो सीड है उसका नाम है ट्रूथफुली लेबल्ड सीड। यह जो सीड होता है ये कोई भी व्यक्ति मतलब इसको तैयार कर सकता है या फिर कोई भी किसान इसको तैयार कर सकता है। इसे किसानों के द्वारा किसी फार्मों पर उत्पादित किया जाता है। इसे किसी प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है बिल्कुल, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु बीज मानकों को ध्यान में रखकर ट्रूथफुली सीड को उत्पादन किया जाता है या फिर ट्रूथफुली सीड को सेल किया जाता है यानी खरीदी की जाती है। अगला देखते हैं बीज उत्पादन की वैज्ञानिक विधि, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बीज उत्पादन की वैज्ञानिक विधि, तो इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे ही बने रहिए। ओके, धन्यवाद।